अटैक हो गई थी तो कितना ढूंढा मैंने तुझे। देख तेरी जाती क्या हाल हो गया हमारा, तू चली गई और सब बर्बाद हो गया। पर अब मैं आ गई हूं ना तुझे लेने। मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं, नहीं मैं आशा का बोझ नहीं उठा पाऊंगी। पूरे 5 लाख रुपए दूंगी। उस आशा को लेके हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाओ। 5 लाख बस? इतनी महंगाई है, सब इतना महंगा है, मैं खुद कुछ के लिए खरीद नहीं पाती हूँ। मैं साथ में आशा को भी 10 लाख। लेकिन हम दोनों में जो डील हुई है किसी और को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए उसकी। आप उसकी चिंता मत करिए। छोड़िए मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना इनके साथ। ये क्या बोल रही है आशा? पर ये है कौन? ये माँ है आशा की। बचपन में ही इन्होंने आशा को गोद लिया था। एक्चुअली इन्होंने ना मिसिंग के पोस्टर लगाए थे आशा के। ये तो अच्छा हुआ मेरी नजर उन पोस्टर पर पड़ गई, तो मैंने इमीडिएटली इनको कांटेक्ट किया और अपने साथ यहाँ लेके आई। सच में आप कितनी कृपालु हैं, कितनी दयालु हैं आप। आज आपने एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से मिलवा दिया। तो कहाँ चली गई थी मेरी गुड़िया, कहाँ खो गई थी? झूठ मत बोलो, मैं खोई नहीं थी, आप मुझे छोड़ के चली गई थी। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो तो मेरी लक्ष्मी है। तेरे जाते सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खो दिया मैंने। तुझे पता है अशोक भी एक्सीडेंट में चल बसे। चल बेटा, सब कुछ खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खो सकती। नहीं, तू मेरी लक्ष्मी है, चल। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। चल बेटा, मैं तुझे नहीं खो सकती, चल, चल। अरे रुके, क्या कर रही हैं आप? आशा नहीं जाना चाहती आपके साथ। मिस वेडिंग प्लानर, क्या आपको आदत है हमारे घर के हर एक मामले में अपनी टांग अड़ाने की? कुसुम जी है ना, वो माँ है आशा की, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स भी है। कुसुम जी आप दिखाइए। हाँ, ये कोर्ट के पेपर्स। क्या है इसमें, क्या ये सच कह रही है? लीगली यही आशा की माँ है। वही तो मैं कह रही थी कब से। चल बेटा। नहीं, चल, नहीं। चल 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 चल, छोड़ो मुझे। हाँ? आशा, ये मेरी माँ नहीं है, मुझे नहीं जाना है इनके साथ। दादी दादी बोलो ना कुछ, मुझे नहीं जाना है इनके साथ। दादी आशा बेटा, जाना तो पड़ेगा ना, आखिर लीगल मम्मा है तुम्हारी। देखो हालत तो देखो, रो रो के कैसे हालत होगी अब। नहीं रह सकती तुम यहाँ, जाना पड़ेगा। हाँ श्रेया आंटी, अंकल मुझे नहीं जाना इनके साथ, प्लीज।
जाने तो मैं भी तुझे नहीं देना चाहती बेटा, पर कैसे रुकूं? नहीं। चल बेटा चल, माँ हूं ना मैं तुम्हारी, चल चल चलो। ठीक है, मैं इनके साथ चली जाऊंगी, पर प्लीज मुझे एक दिन यहाँ रहने दो, एक दिन बस, प्लीज दादी, प्लीज श्रेया आंटी, प्लीज। अरे नहीं हो सकता ऐसे, क्या आंटी, क्या प्रॉब्लम है आंटी? इतने दिन तो हमारे साथ रुकी है ना, एक दिन और सही। अटैचमेंट हो गया इसे सबसे, हम सबको भी। सडनली इतना बड़ा चेंज, थोड़ा समय तो दीजिए बच्चे को। आज तुम हमारे साथ ही रहोगे और आप भी। रोना बंद करो। हाँ वैभव अंकल ने बात कर लिया ना, अब तुम यहीं पे रहोगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.